एक्सटर्नल माइक्रोफोन ना हाँ एटा तो कोहत किछ तो हेलो हेलो हाँ होछ तो सर हाँ गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी थर्मोडायनामिक्स सेकेंड लेक्चर ऑफ थर्मोडायनामिक्स आम थर्मोडायनामिक्स सेकेंड लेक्चर विषय में पढ़ा तो येस्टरडे क्लास रे आमे बहुत सारा जिनस पढ़ी आई होप तुम समस्ते बुझीपारी थी आम लास्ट क्लास रे स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन विषय में कंप्लीट करी आज आम स्टार्ट करवा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी देख आज आम पढ़ा कौन आज आम पढ़ा एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी या को हमें प्रॉपर्टीज कर दबा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज फास्ट हमें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विषय पढ़ा आज क्लास रे सुन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम्स हुज वैल्यू दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम हुज वैल्यूज Whose values depends on the whose values depends on the quantity of substance present in system present in system present in system तो यार मीनिंग कौन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मीनिंग है दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम हुज वैल्यूज डिपेंड्स ऑन दी क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए सिस्टम माने सिस्टम रे प्रेजेंट थी सब्सटेंस रो क्वांटिटी उपरे जो धर्म गुड़क डिपेंड्स करी थांती सिस्टम रे प्रेजेंट थी सब्सटेंस रो क्वांटिटी उपरे जो धर्म गुड़िक निर्भर करी थांती से सब धर्म गुड़िक आम कही था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से सब प्रॉपर्टीज मानक आम कही था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लेट्स मुझ तुमको बुझे कहे एग्जांपल हिसाब से बुझे कौच सपोज करो ये मो पाखर गोटे कंटेनर अच्छी ये मो पाखर गोटे कंटेनर अच्छी ए कंटेनर रे 1 लीटर वाटर प्रेजेंट अच्छे ए कंटेनर रे केते लीटर वाटर प्रेजेंट अच्छे 1 लीटर वाटर प्रेजेंट अच्छे ये कंटेनर को मुझे कौन कली इक्वाली डिवाइड करने चेष्टा कली ए कंटेनर को मुझे एमती इक्वाली डिवाइड करने चेष्टा कली इक्वाली डिवाइड करके या दुईटा कंटेनर डिवाइड करदेली या दुईटा कंटेनर डिवाइड करदेली इक्वाली डिवाइड करके दुईटा कंटेनर डिवाइड करदे दैट मीनस एटी आम रेते 500 ml वाटर एटी आम रेते 500 ml वाटर रपोज कर एटी जो 1 लीटर वाटर नहीं थे ये आम रूम टेम्परेचर था रूम टेम्परेचर आर टी सपोज 27 डिग्री सेलसीयस रूम टेम्परेचर रे सपोज कर 27 डिग्री सेलसीयस रूम टेम्परेचर 1 लीटर वाटर नहीं थी या जिते बड़े मुझे एक्जाक्टली इक्वाल हाफ रे डिवाइड कली तो ये कंटेनर आसला 500 ml वाटर ए कंटेनर आसला 500 ml वाटर एबे भी ए 500 ml वाटर रो टेम्परेचर केते रहिबो 27 डिग्री सेलसीयस रहिबो एबे भी ए 500 ml वाटर रो टेम्परेचर केते रहिबो 27 डिग्री सेलसीयस रहिबो 27 डिग्री सेलसीयस एठी रहिबो 27 डिग्री सेलसीयस एठी रहिबो आउ एठी केते रहिबो 1 लीटर वाटर रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेलसीयस रहिबो एबे आमे देखि पारुथवा ए जो 1 लीटर वाटर दैट मीनस वॉल्यूम ऑफ वाटर केते नहीं थी वॉल्यूम ऑफ वाटर केते नहीं थी ना 1 लीटर नहीं थी वॉल्यूम ऑफ वाटर मुझे नहीं थी 1 लीटर जमीती मुझे वाटर को डिवाइड कर देली टू इक्वल हाफ रे सेमिति आमर वॉल्यूम भी डिवाइड होगा जमीती मुझे वाटर को डिवाइड कर देली तो क्वांटिटी भी कमीगला ये 500 ml एटी 500 ml तमें कौन वॉल्यूम भी डिवाइड होगा वॉल्यूम भी कमीगला तमाने वॉल्यूम होछ गोटे प्रॉपर्टी जे कि सिस्टम रो क्वांटिटी उपरे डिपेंड करे एठी वाटर रो क्वांटिटी अधिक थिला तो सेथि पई कोन होतला ना एठी वाटर क्वांटिटी अधिक तो वॉल्यूम 1 लीटर आसला
एठी वाटर क्वांटिटी कमिला तो वॉल्यूम कमीगला ता माने सिस्टम रो जो प्रॉपर्टी सिस्टम रे प्रेजेंट थिवा सब्सटेंस रो क्वांटिटी उपरे डिपेंड करे जेमिति कि वॉल्यूम ए केस रे एठी वाटर अधिक थिला तो वॉल्यूम 1 लीटर आसला वाटर कमिला तो वॉल्यूम कमीगला जेमिति क्वांटिटी कमीबो से प्रॉपर्टी रे चेंज पड़ी आस्तबो तो से प्रकार रो प्रॉपर्टी को आमे कहिथौ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जे कि सिस्टम रे प्रेजेंट थिवा सब्सटेंस रो क्वांटिटी उपरे डिपेंड करथाय बाकी आमे एठी लक्ष्य करि पारुथवा आमे जो सब्सटेंस स्टडी नहीं थी ताकू तो मुझे डिवाइड कर देली डिवाइड कला द्वारा क्वांटिटी भी डिवाइड हो जाउची 8500 ml 8500 ml किंतु लक्ष्य कर पारुथबो तुम्हें एठी जो टेम्परेचर 27 degrees Celsius थिला एबे भी से टेम्परेचर 27 degrees Celsius अछि एठी एबे भी टेम्परेचर 27 degrees Celsius एठी भी अछि त माने टेम्परेचर को आमे डिवाइड कर पारिबा नाही याकू मु जेते भाग रे डिवाइड कले भी 1 liter वाटर को मुझे जिते भाग में डिवाइड कले भी टेम्परेचर को आम डिवाइड करें टेम्परेचर केवे भी डिवाइड हो पार ना तो ये 27 degrees Celsius रही 27 degrees Celsius रो तो यही प्रकार धर्म को कहुई एक्सटेनसीव प्रपर्ट यही प्रकार धर्म को कहुई कौन एक्सटेनसीव प्रपर्ट कहुई था जमीक आम एक्जामपल हिसाब से देखिपर कौन जमीक मस कौन मास होची एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बिकॉज मास कौन होता है ना सिस्टम रे प्रेजेंट थिवा सब्सटेंस रो क्वांटिटी उपरे डिपेंड करता है सो मास इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हला सेमती की लेंथ इज आल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वॉल्यूम हे गला तमरो वॉल्यूम इज आल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तापर तमरो एरिया हे गला एरिया भी तुम्हारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्वांटिटी बढ़िले एरिया बढ़ी जाए थाए क्वांटिटी कमिले एरिया कमी जाए थाए मास लेंथ वॉल्यूम एरिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा एमती बहुत सारा प्रॉपर्टीज अच्छी जे कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से क्वांटिटी उपरे डिपेंड करथाय हला तो अन्य एग्जांपल गुडी को भी मु लिखि देउची लिस्ट आउट कर देउची अन्य एग्जांपल गुडा को नंबर ऑफ मोल्स तापर तुम आसो नंबर ऑफ मोल्स फोर्स हीट कैपेसिटी इंटरनल एनर्जी फोर्स इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी फोर्स हीट कैपेसिटी विषय आम पढ़ा नेक्स्ट आम हेडिंग लगे पढ़ा हीट कैपेसिटी नंबर ऑफ मोल फोर्स हीट कैपेसिटी तापर लिख इंटरनल एनर्जी एंथाल्पी एंट्रोपी इंटरनल एनर्जी या विषय तो आम पढ़ा इंटरनल एनर्जी एंथाल्पी फ्री एनर्जी ये सब विषय आम सब टर्मिनोलोजी विषय वन वाई वन हेडिंग लगे आम पढ़ा तापर एंट्रोपी आसला एंट्रोपी विषय भी आम पढ़ा एंट्रोपी इज ए एक्सटेनसीव प्रपर्ट ये भी सिस्टम रे प्रेजेंट थी सब्सटेंस रो क्वांटिटी उपरे डिपेंड करे ये सब प्रपर्ट जहाँ भी एटी लिखा जाए ये सब प्रपर्ट सिस्टम रे प्रेजेंट थी सब्सटेंस रो क्वांटिटी उपरे डिपेंड करे तेणु ये सब प्रपर्ट मानक कहुई था एक्सटेनसीव प्रपर्ट एवं आम हेडिंग लगे इंटेनसीव प्रपर्ट एबे आमे हेडिंग लगेबा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज लिखिदबा आमे दोज प्रॉपर्टीज आमे लिखिबा एमती लिखिले भी हबो द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम व्हिच डज नॉट डिपेंड्स ऑन एमती लिखिले भी हबो द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम does not depend on the quantity of substance present in a system. The properties of system which does not depend on the quantity of substance present in a system is called as intensive properties. समान को कौन कहा जाए था intensive properties माने system रो सही property जो माने
जो मान भैल्यू सिस्टम रे प्रेजेंट थिबा सब्सटेंस रो क्वांटिटी उपरे डिपेंड करू नथिबो सिस्टम रे प्रेजेंट थिबा सब्सटेंस रो क्वांटिटी उपरे निर्भर करू नथिबा प्रॉपर्टीज मानको सिस्टम रे प्रेजेंट थिबा सब्सटेंस मानकर क्वांटिटी उपरे निर्भर करू नथिबा प्रॉपर्टीज मानको आमे कहिथाउ इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो मानकर भैल्यू डिपेंड करि नथाय सब्सटेंस रो क्वांटिटी उपरे जेमिति कि हमर टेंपरेचर टेंपरेचर कोन ता टेंपरेचर होउछि गोटे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज इंटेंसिव टेम्परेचर होची गोटे इंटेंसिव प्रॉपर्टी टेम्परेचर होची गोटे कौन ना इट इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी केमती टेम्परेचर को इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहली सपोज कर देख मुझे कौन नहीं सपोज कर मुझे हॉट वाटर नहीं सपोज कर मुझे हॉट वाटर नहीं वन लीटर हॉट वाटर नहीं वन लीटर हॉट वाटर को मुझे कौन करुँ मुझ सबू हॉट वाटर को एमती मुझे कौन करुँ पाँचटा कप्रे डिवाइड कर दूची एमती पाँचटा कप्रे वन लिटर हॉट वाटर को डिवाइड कर दूचे वन लिटर हॉट वाटर को जमी गोटे पाँचटा कप्रे डिवाइड कर देवी प्रत्येक कप्रे 200 ml हॉट वाटर रहिबो ना नहीं प्रत्येक ml रे 200 ml हॉट वाटर रहिबो एठी भी 200 ml रहिबो एठी भी तुम 200 ml रहिबो एठी भी तुम 200 ml रहिबो तो प्रत्येक जगह 200 ml हॉट वाटर को डिवाइड कर देली देख सपोज कर ये हॉट वाटर जब मुझे टेम्परेचर 60°C नहीं 60°C एठी भी रहिबो 60°C एठी भी रहिबो 60°C सबु केस रे सबु कप रे तुम 60°C टेम्परेचर रहिबो कारण आम टेम्परेचर को डिवाइड कर पारिबा नहीं बिकॉज टेम्परेचर सब्सटेंस रो क्वांटिटी उपरे डिपेंड करे नहीं सब्सटेंस रो क्वांटिटी उपरे डिपेंड करे नहीं बिकॉज टेम्परेचर होची हमर इंटेंसिव प्रॉपर्टी दैट मींस दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम व्हिच डज नॉट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम व्हिच डज नॉट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज तो ये देख ये हॉट वाटर जो 60°C एबे ए सबु कप्रे आमर 60°C ही रहिबो बुझिपारछ एबे आमे कौन करि पारिबा देख ए जो 1 लीटर हॉट वाटर नहीं थी या मुझे डिवाइड कर पारे 200 200 200 200 तो प्रत्येक 200 को जब मुझे एड कर दिए जब प्रत्येक 200 को मुझे एड कर दिए तो फाइनाली मत 1 लीटर ही मिलजो फाइनाली मत 1 लीटर ही मिलजो ताने कौन ये जो 200 ml ये हूँ आम वॉल्यूम आउ मु एबे कहिथिले वॉल्यूम होची कोन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वॉल्यूम होची एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ता माने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को आमे ऐड करि परिबा हला एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव इन नेचर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को आमे ऐड करि परिबा किंतु जदी टेंपरेचर को एठी मु ऐड करि दिए सब जगह 60°C अछि सब जगह जदी मु टेंपरेचर को ऐड कर दिए ताले ए टेंपरेचर समेशन या सहित इक्वल होबो नाही कारण 60°C एठी अछि आ सबु ताको डिवाइड कर सला परे भी प्रत्येक केस रे 60°C ही आसुचे ता माने जे भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हेथाय ताको आमे ऐड करि पारिबा नाही इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉट एडिटिव इन नेचर तो आमे लिखि पारिबा एठी दिटा नोट करी तमे लिखि दैथिबो एठी नोट करी लिखि दैथिबो एठी जे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव इन नेचर एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉट एडिटिव इन नेचर ता माने इंटेंसिव प्रॉपर्टी को आम एड करके लिखि पारिबा नहीं बाकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को आम एड करके समेसन करि पारिबा हला नेक्स्ट पॉइंट आम तुम दुटा नोट लिखि सारा पर नेक्स्ट पॉइंट आम लिखा देख ए जदि दुईटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी रेसीओ नहीं जाए रेसीओ ऑफ एनी टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जेकोणसी दुईटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी रो जदि रेशियो नै जाय रेशियो ऑफ एनी टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज रेशियो ऑफ एनी टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जेकोणसी दुईटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज रो जदि मु रेशियो नै जाय रेशियो ऑफ एनी टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज रेशियो ऑफ एनी टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी जमती देख मास इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास कौन एबे मु कहली मास इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी सेमती कि वॉल्यूम कौन एबे मु कहि आस्तली वॉल्यूम सब्सटेंस रो क्वांटिटी उपरे डिपेंड करे वॉल्यूम इज ऑल्सो ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वॉल्यूम इज ऑल्सो ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एबे ए दुईटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी रो जदि मु रेशियो नै जाय दैट मींस मास बाय वॉल्यूम जदि ए दुईटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी रो रेशियो नै जाय दैट मींस मास रे जदि वॉल्यूम को डिवाइड कर दिए मास रे वॉल्यूम को डिवाइड करले मते कोन मिले डेंसिटी मिले मास बाय वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी एबे मास कोन मास होची एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी
मास हूँ एक्सटेनसीव प्रॉपर्टी एवं मुझे कहली मास इज ए एक्सटेनसीव प्रॉपर्टी वॉल्यूम कौन वॉल्यूम इज अल्सो ए एक्सटेनसीव प्रॉपर्टी किंतु ए दुटार जब मुझे रेशियो नहीं जाए जहाँ रिजल्ट मत मिला डेंसिटी डेंसिटी इज नॉट ए एक्सटेनसीव प्रॉपर्टी इट इज ए इंटेनसीव प्रॉपर्टी इट इज ए इंटेनसीव प्रॉपर्टीज डेंसिटी इज ए इंटेनसीव प्रॉपर्टीज बिकॉज मुझे कहली कौन रेशियो ऑफ एनी टू एक्सटेनसीव प्रॉपर्टीज आर ऑलवेज ए इंटेनसीव प्रॉपर्टी बुझिपाल ना रेशियो ऑफ एनी टू एक्सटेनसीव प्रॉपर्टीज आर इंटेनसीव प्रॉपर्टी तो एक्सटेनसीव इंटेनसीव प्रॉपर्टी जा सर एवं आम डिस्कसन करवा प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ प्रोसेस तो एवं आम डिस्कसन करवा देख प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ प्रोसेस प्रोसेस एंड ओहो अच्छा अच्छा हाँ सर हाँ सर हाँ टाइप्स ऑफ देखो एबे आमे कौन पढ़ा प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ प्रोसेस प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ प्रोसेस एबे आमे डिस्कशन करिबा कहा विषय ना प्रोसेस आउ टाइप ऑफ प्रोसेस विषय इंटेनसिव प्रॉपर्टी रे किछ एग्जांपल मु दे दोचे एबे इंटेनसिव प्रॉपर्टी रे किछ एग्जांपल दे दोचे एग्जांपल लेखि नियो तमे इंटेनसिव प्रॉपर्टी रो लेखि नियो प्रेशर टेम्परेचर एठी मु एग्जांपल छाडी जाई जाईतला एग्जांपल लेखि नियो जे प्रेशर टेम्परेचर नेक्स्ट लेखि नियो प्रेशर टेम्परेचर डेंसिटी विस्कोसिटी सरफेस टेंशन डेंसिटी डेंसिटी विस्कोसिटी सरफेस टेंशन ए सब प्रॉपर्टी ए सब हूँ प्रॉपर्टी एथिरे कन्फ्यूजन हबार ना किसी ए सब हूँ गोटे गोटे धर्म जी कि सब्सटेंस क्वांटिटी उपर निर्भर करे ना प्रेशर हो गला टेम्परेचर हो गला डेंसिटी हो गला विस्कोसिटी हो गला सरफेस टेंशन हो गला तुम्हार वेपर प्रेशर हो गला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गला आठ चाहिए आहरी एड कर पार वेपर प्रेशर हो गला वेपर प्रेशर हो गला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गला ए सब प्रॉपर्टी सिस्टम रे प्रेजेंट थिबा सब्सटेंस रो क्वांटिटी उपरे डिपेंड करे नाही एबे आमे न्यू टर्मिनोलॉजी को आसीबा कोना प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ प्रोसेस प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ प्रोसेस तो प्रोसेस आगे बुझिबा जे प्रोसेस कोन आगे आमे फर्स्ट ऑफ ऑल आमे बुझिया पई चेष्टा करबा प्रोसेस कोन सपोज करो प्रोसेस कोन सपोज करो मु एठी गोटे कंटेनर नै छी आ एथिरे गोटे पिस्टन लगाई दी छी हला मूवेबल पिस्टन ये कंटेनर रे मु गोटे पिस्टन लगे दीचे ये हूँ मूवेबल पिस्टन या को कौन करी परबी मु या को डाउन भी करी परबी या को अप भी करी परबी माने या को पुल भी करी परबी या को पुश भी करी परबी हला ये हूँ मोर मूवेबल पिस्टन आ एथिरे मु किछि गैस नै जाइछि एथिरे मु किछि कोन नै जाइछि किछि गैस को नै जाइछि एथिरे मु किछि गैस को नै जाइछि हला एथिरे मु किछि गैस को नै जाइछि आ ये हूँ मोर मूवेबल पिस्टन या को मु मूव करी परबी हला मूव कर पार्थवा मूवेबल मूवेबल पिस्टन तो या मूव कर पार्थवा गोटे पिस्टन को नहीं जाइए जहाँ को मुझे तल को भी नहीं पारि एमती ऊपर को भी नहीं पारि आउे किसी गैस नहीं जाइए जिते बड़े मुझे गैस नहीं जाइए एथिरे एथिरे देख सपोज करो एथिरे जो गैस नहीं सारापर एथिरे जो वॉल्यूम आसूँ ये हूँ मोर भिवान वॉल्यूम किसी वॉल्यूम तो एवं थी ना कि वॉल्यूम्र गैस एवं अच्छी सपोज कर ये भिवान वॉल्यूम ये भिवान वॉल्यूम रो एबे मु कौन करुचे पिस्टन को डाउन करुचे पिस्टन को डाउन कर सरला परे एबे कौन हबा पिस्टन को डाउन कले पिस्टन तल को पलि आसीबो पिस्टन को जदि डाउन करे एमती जदि तल को मु पुश कर दिए ताले पिस्टन कौन हबा एमती तल को पलि आसीबो आ तल को पलि आसला कौन हबा एठी तो गैस पार्टिकल अछि से सप्रेस हे जइबो गैस पार्टिकल सेठी जतकी फ्रीली थिला एबे सप्रेस हे जइबो एबे कौन हबो परिवर्तन एथिरे परिवर्तन कौन आसीबो ना वॉल्यूम रे चेंज पलि आसीबो एबे देखो ये जदि भिवान वॉल्यूम थिला लार्ज वॉल्यूम थिला इनिशियल वॉल्यूम ये स्टार्टिंग रे एतकी वॉल्यूम थिला एबे पिस्टन को डाउन कर सल्ला परे एबे वॉल्यूम डिक्रीज हे जइबो दैट इज वी2 वॉल्यूम हि होला ये हो फाइनल वॉल्यूम ये हो फाइनल वॉल्यूम आ ये हो कौन ये हो हमर इनिशियल वॉल्यूम इनिशियली एतकी वॉल्यूम थिला मु गोटे ऑपरेशन कली कौन टाइप रो ऑपरेशन ना मु पिस्टन को कौन कली डाउन कर देली मु जो ऑपरेशन कली या द्वारा कौन हला ये वॉल्यूम जतिके थिला एबे वॉल्यूम रे परिवर्तन हला ये वॉल्यूम वी2 हो गला एक्जाक्टली वी2 हो गला सपोज करो लेट वी2
लेट भि टू इक्वल टू भि ओन बै टू लेट भि टू इक्वल टू भि ओन बै टू दैट मीनस मुझे एमती गोटे अपरेसन कली एमती गोटे अपरेसन कली जहाद्वारा सिस्टम्र स्टेट ही चेंज होगा सिस्टम्र स्टेट ही चेंज होगा ये हूँ सिस्टम स्टेट वन यही स्टेट्रे सिस्टम्र स्टेट वन ये गोटे अवस्था थी सिस्टम्र स्टेट वन मान कौन प्रथम अवस्था जो थे भल्यूम भि ओन मुझरेसन कली पिस्टन को डाउन कली एवं भल्यूम कौन होगा हाफ होगा दैट मीन सिस्टम्र स्टेट चेंज होगा ये हूँ सिस्टम्र स्टेट टू दैट मीन सिस्टम्र स्टेट टू दैट मीन एमती गोटे अपरेसन करवा द्वारा जदि मुझे गोटे अपरेसन करोटे वर्क करुच्ची जहाद्वारा सिस्टम्र स्टेट्रे पर देखाई देखिए सिस्टम्र स्टेट्रे पर सिस्टम्र स्टेट चेंज हो जाए से अपरेसन को ही प्रोसेस कहुए से अपरेसन को कौन कह प्रोसेस कहुए दैट मीन जो अपरेसन करवा द्वारा सिस्टम्रे पर आसी जाए सिस्टम्र स्टेट्रे चेंज आसी जाए तो से प्रकार अपरेसन को प्रोसेस कहुए एवं ये बहुत प्रकार प्रोसेस अच्छे जमीक आमर हो गला आइसोथर्मल प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस यही प्रकार बहुत सारा प्रोसेस अच्छे तो फास्ट प्रोसेस देख मुझे लिखुचे ये आइसोथर्मल प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस देख तो प्रोसेस तो तुम जाणी सारछ प्रोसेसर मीनिंग कौन प्रोसेसर मीनिंग होची इट इज एन ऑपरेशन बाय व्हिच सिस्टम चेंज इट्स स्टेट ऑपरेशन गोटे जेकोणसे गोटे ऑपरेशन करवा द्वारा सिस्टम तार जदि इनिशियल स्टेट रु आ गोटे कोणसे स्टेट को पळे जाउची से ऑपरेशन को ही प्रोसेस कह जाय थाय जदि मु कोणसे प्रोसेस करूची सिस्टम रे आउ से प्रोसेस रे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखुचे कारण आइसोथर्मल प्रोसेस पडुचे आइसोथर्मल प्रोसेस देखो दुईटा वर्ड को नै के हिची आइसो प्लस थर्मल आइसो मीन्स कौन आइसो मीन्स आम समस्त जाने आइसो मीन्स हो सेम आ थर्मल मीन्स हो टेम्परेचर दैट मीन्स मुझ जो प्रोसेस करुच्चे ड्यूरींग द प्रोसेस जदि मुझ टेम्परेचर को कन्स्टाट रखुचे जेकोसी प्रोसेस करुच्चे जेकोसी गोटे चेंजेस करुच्चे सिस्टम्र स्टेट को चेंज कला समय कि सिस्टम्रे जेकोसी प्रकार चेंजेस आने समय जदि मुझ टेम्परेचर को कन्स्टाट रखिक प्रोसेस करुचे से प्रकार प्रोसेस कोई आइसोथर्मल प्रोसेस कौन लिखा इट इज एन प्रोसेस ड्यूरींग व्हिच टेम्परेचर इज कन्स्टाट आइसोथर्मल प्रोसेस डेफिनेशन कौन कर इट इज एन प्रोसेस ड्यूरींग व्हिच टेम्परेचर रिमेन्स कन्स्टाट जो प्रोसेस रे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए था, से प्रकार प्रोसेस को आम कौन कह आइसोथर्मल प्रोसेस कह टेम्परेचर कांस्टेंट थी जदि टेम्परेचर कांस्टेंट थी दैट मीन्स सिस्टम रे जो स्टेट चेंज हम स्टेट वन रु स्टेट टू को जिते स्टेट वन रु स्टेट टू को जिते टेम्परेचर तो कांस्टेंट थी तो इनिशियल टेम्परेचर जी थी तेने फाइनाल टेम्परेचर भी से इनिशियल टेम्परेचर जेतिकी थिबो ता माने एठी फाइनल टेम्परेचर भी सेतिकी थिबो कारण आमे ड्यूरिंग द प्रोसेस टेम्परेचर को कांस्टेंट रखिबा फाइनल टेम्परेचर भी सेतिकी थिबो ता माने जदि मु चेंज इन टेम्परेचर बाहर करे जदि मु चेंज इन टेम्परेचर जदि मु चेंज इन टेम्परेचर टी टू माइनस टी वन जदि मु चेंज इन टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर दैट इज टी टू माइनस टी वन वैल्यू बाहर करे दैट मीन्स डेल्टा टी रु वैल्यू बाहर करे ताले कौन हबो कारण ए प्रोसेस टेम्परेचर फाइनाल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर वैल्यू केते आसिबो जीरो आसिबो कारण ड्यूरींग दि प्रोसेस आम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखीचे ना ड्यूरींग दि प्रोसेस टेम्परेचर को आम सेम रखीचे ता माने कौन इनिशियल टेम्परेचर जेतिकी हेबो फाइनाल टेम्परेचर सेतिकी हेबो ता माने टी टू माइनस टी वन वैल्यू इक्वाल हो तो एठी आम लिखि पारिबा टी टू इक्वाल टू टी वन माने इनिशियल टेम्परेचर जहाँ फाइनाल टेम्परेचर भी ता ये थिला हमर आइसोथर्मल प्रोसेस देख नेक्स्ट आम जी देख आइसोबारिक प्रोसेस नेक्स्ट आम जी आइसोबारिक प्रोसेस को आम जीवा देख तो आइसोबारिक प्रोसेस कौन आइसोबारिक माने कौन देख ठीके जो आइसोबारिक एटी वर्ड अच्छे इट कनसीस्ट अफ टू वर्ड्स वन इज आइसो एनदर वन इज एटी लिखाई बारिक आइसो मीन्स आम जानी सेम आउ एठारे जो बैरिक अच्छी एठी प्रेशर को सी इंडिकेट करे दैट मीन्स ड्यूरींग दि प्रोसेस आम जो प्रोसेस करवा जो ऑपरेशन आम करवा सिस्टम रे जहाद्वारा कि तार स्टेट रे चेंज आसीबो ड्यूरींग दि प्रोसेस प्रेशर ही सेम मेंटेन रखु आम ड्यूरींग दि प्रोसेस तेल आम कौन लिखा इट इज एन प्रोसेस ड्यूरींग व्हिच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट है इट इज एन प्रोसेस ड्यूरींग व्हिच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट लिखि नब डेफिनेशन इट इज एन प्रोसेस ड्यूरींग व्हिच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट आम जो प्रोसेस करुचे सिस्टम रे आउ तार स्टेट को चेंज करुचे से प्रोसेस रे
प्रेसर को आम कन्स्टाट रखा मानते इनिशियल प्रोसेस प्रेसर जीत फाइनाल प्रेसर भी सेक मैंने चेंज इन प्रेसर कौन जदि इनिशियल प्रेसर फाइनाल प्रेसर सहित सेम होगा तो मैंने चेंज इन प्रेसर चेंज इन प्रेसर चेंज इन प्रेसर जीरो आसो ना चेंज इन प्रेसर मैंने कौन फाइनाल प्रेसर माइनस इनिशियल प्रेसर पी टू माइनस पी वन फाइनाल प्रेसर माइनस इनिशियल प्रेसर जीरो आसो पी टू हूँ आम फाइनाल प्रेसर पी वन हूँ मोर इनिशियल प्रेसर पी टू माइनस पी वन इक्वल टू जीरो आसो तो मैंने मुझे लिखिपारि डेल्टा पी रैल्यू के जीरो आसो चेंज इन प्रेसर डेल्टा पी रैल्यू जीरो आसो डेल्टा पी रिनिंग कौन डेल्टा पी रिनिंग है फाइनाल प्रेसर माइनस इनिशियल प्रेसर है फाइनाल प्रेसर माइनस इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर इक्वल टू जीरो तो देखो नेक्स्ट प्रोसेस आमर कौन अच्छे नेक्स्ट प्रोसेस अच्छे आमर आइसोकोरिक प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस रो मीनिंग कौन कौन चलते हाँ तो देखो तो नेक्स्ट प्रोसेस कौन अच्छे देखो नेक्स्ट प्रोसेस आमर अच्छे आइसोकोरिक प्रोसेस देखो आइसोकोरिक प्रोसेस तो आइसोकोरिक प्रोसेस रो मीनिंग कौन आइसोकोरिक रे दुटा वर्ड अच्छे देखो ये आइसो अच्छे आरिक अच्छे आइसोर मीनिंग तो आम समस्त जाच आइसोर मीनिंग है सेम आउ ये जो करिक अच्छी एटी मीनिंग है तार मीनिंग हूँ वॉल्यूम तमें आम जो प्रोसेस करू ड्यूरींग दि प्रोसेस वॉल्यूम को आम कन्स्टाट रख दैट मीनस यार मीनिंग कौन इट इज ए प्रोसेस ड्यूरी ह्विच वॉल्यूम रिमेन्स कन्स्टाट आम जो प्रोसेस करू से प्रोसेस आम जो इनिशियल स्टेट अफ सिस्टम रु फाइनाल स्टेट अफ सिस्टम पहुँचू ड्यूरी दि प्रोसेस इनिशियल स्टेट अफ सिस्टम रु जमी आम फाइनाल स्टेट अफ सिस्टम पहुँचवा ड्यूरी दि प्रोसेस आम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखिथु जेतेबेले आम गोटे प्रोसेस करुवा समय वॉल्यूम को कांस्टेंट रखी प्रोसेस करिथाउ से प्रकार प्रोसेस को कहा जाए आइसोकोरिक प्रोसेस दैट मीनस आइसोकोरिक प्रोसेस रे फाइनल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम इक्वल टू दि इनिशियल वॉल्यूम फाइनल आउ इनिशियल वॉल्यूम समान होता है कौ प्रोसेस रे आइसोकोरिक प्रोसेस रे तामने जदि दुटा समान होता है तामने फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम रो वैल्यू केते आसीबो जीरो आसीबो बिकॉज फाइनल इक्वल टू इनिशियल अच्छे तो फाइनल रु इनिशियल को जदि मु माइनस करे वैल्यू जीरो ही आसीबो दैट मीन्स आम मु लिखि परबा कोन डेल्टा वी रो वैल्यू केते आसीबो डेल्टा वी रो वैल्यू जीरो आसीबो हेलो इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा वी इक्वल टू जीरो नेक्स्ट आम देख डिस्कशन करवा नेक्स्ट आम डिस्कशन करवा एडियाबेटिक प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस नेक्स्ट प्रोसेस आमर अच्छी एडियाबेटिक प्रोसेस माने ड्यूरिंग द प्रोसेस एक्सचेंज ऑफ हीट रिमेन्स कांस्टेंट दैट मीन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग आम कौन लिखा द प्रोसेस ड्यूरिंग व्हिच नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी टेक्स प्लेस बिटवीन नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग ना सिस्टम रो सराउंडिंग को हीट एनर्जी रो सप्लाई हबो एक्सचेंज हबो ना सराउंडिंग रो सिस्टम को हीट एनर्जी रो ट्रांसफर हबो जदि ये मोर सिस्टम हुए ये हूँ मोर गोटे सिस्टम ये हूँ आमर गोटे सिस्टम आउ ये सिस्टम उपरे मु स्टडी करूछि आउ ये हूँ इन्सुलेटेड इन्सुलेटेड रो मीनिंग कौन इन्सुलेटेड रो मीनिंग हला इन्सुलेटेड मीनिंग है ये जो इन्सुलेटेड वॉल ये हूँ आम इन्सुलेटेड वॉल ता माने ये जो इन्सुलेटेड वॉल अच्छी ये इन्सुलेटेड वॉल दे कि ना हीट रो फ्लो हबो ना हीट रो फ्लो सिस्टम रो सराउंडिंग को हबो ना हीट रो फ्लो सराउंडिंग रो सिस्टम को हबो दैट मीन्स हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज जीरो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग जीरो इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस द प्रोसेस ड्यूरिंग व्हिच एक्सचेंज ऑफ हीट does not take place between system and surrounding is called adiabatic process lekhi neithibo adiabatic process re q ro value zero hoy thai adiabatic process re q ro value zero hoy thai because heat ku
आम क्यू सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट करी था ता माने ना सिस्टम रु सराउंडिंग को हीट फ्लो होउछि ना सिस्टम रु सराउंडिंग को हीट फ्लो होउछि ना सराउंडिंग रु सिस्टम को हीट फ्लो होउछि सराउंडिंग रु सिस्टम को भी हीट फ्लो होउनी सिस्टम रु सराउंडिंग को भी हीट फ्लो होउनी ता माने हीट जदि फ्लो होउनी दैट मीन्स क्यू रो वैल्यू केते हिजबो जीरो हिजबो कारण नो हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग नो हीट एक्सचेंज माने कोन जीरो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग ता माने क्यू रो वैल्यू जीरो हिजबो जदि क्यू रो वैल्यू जीरो ता माने डेल्टा क्यू भी केते हिजबो डेल्टा क्यू भी जीरो हिजबो दैट मीन्स क्यू एंड डेल्टा क्यू रो वैल्यू जीरो होइथाय कोन केस रे ना एडियाबेटिक प्रोसेस केस रे क्यू आउ डेल्टा क्यू रो वैल्यू जीरो होइथाय कौ केस रे ना एडियाबेटिक प्रोसेस केस रे कारण एडियाबेटिक प्रोसेस रे हीट रो ट्रांसफर हो पार नए सिस्टम आउ सराउंडिंग भितर ना सराउंडिंग रो सिस्टम को हीट फ्लो हे ना सिस्टम रो सराउंडिंग को हीट फ्लो हे कौ केस रे ना एडियाबेटिक प्रोसेस केस रे बुझी पालो ना एडियाबेटिक प्रोसेस केस रे हो पार ना आम नेक्स्ट जीवा देख देख नेक्स्ट आम जी देख आइसोबेरिक सरला आइसोथर्मल सरला आइसोकोरिक सरला नेक्स्ट आम जी साइक्लिक प्रोसेस नेक्स्ट आम जी आउ गोटे प्रोसेस हूँ कौन साइक्लिक प्रोसेस नेक्स्ट प्रोसेस हूँ आमर साइक्लिक प्रोसेस तो साइक्लिक प्रोसेस कौन ए प्रोसेस ड्यूरिंग व्हिच स्टेट ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस ए प्रोसेस ड्यूरिंग व्हिच स्टेट ऑफ सिस्टम स्टेट ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज ए प्रोसेस ड्यूरिंग व्हिच स्टेट ऑफ सिस्टम ए प्रोसेस ड्यूरिंग व्हिच स्टेट ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज दैट मीन्स आम लिखिपर ब्राकेट लिखिद दैट मीन्स जो प्रोसेस रे इनिशियल स्टेट जो प्रोसेस रे इनिशियल स्टेट बिकम्स इक्वल टू द फाइनल स्टेट माने एमती प्रोसेस आम करूचे जो प्रोसेस रे इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट सहित इक्वल हो जाऊँगी से प्रकार प्रोसेस को आम कही था साइक्लिक प्रोसेस ए प्रोसेस ड्यूरिंग व्हिच स्टेट ऑफ ए सिस्टम डज नॉट चेंज इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस तो साइक्लिक प्रोसेस रो मीनिंग कौन ना जो प्रोसेस रे ड्यूरींग दि प्रोसेस कौन हम ना स्टेट ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज सिस्टम रो स्टेट रे कौन से चेंज आसीबो ना सिस्टम रो प्रोसेस तो हम नो डाउट प्रोसेस तो हम बट सिस्टम रो स्टेट रे कौन से चेंज आसीबो ना तार मीनिंग कौन जे इनिशियल स्टेट आउ फाइनाल स्टेट समान हो माने कौन कह जाऊँ इनिशियल स्टेट फाइनाल स्टेट समान हो दे जाना कहपर आम डज नॉट चेंज स्टेट ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज दैट मीन्स सिस्टम रो इनिशियल स्टेट जो थी फाइनाल स्टेट भी सही आसी पहुँची कहुए कौन साइक्लिक प्रोसेस कौन साइक्लिक प्रोसेस तेल देख ए साइक्लिक प्रोसेस माने कौन सपोज कर मु ए स्टेट ए गोटे हूँ स्टेट बी आउ गोटे हूँ स्टेट तो मु कौन करुँ ए स्टेट रु बी स्टेट को गली पुणी बी स्टेट रु फेरी आसली ए स्टेट को माने ए रु बी तो गली मु तो ये थिला मोर इनिशियल स्टेट प्रोसेस हला ना नहीं बी रे पहुंचला परे प्रोसेस हे गला पुणी कोन कली पुणी बैक करिके पुणी आसी के ए रे पहुंची गली त माने इनिशियल स्टेट जोंठी प्रोसेस हे सरला परे फाइनल स्टेट भी सेठी प्रोसेस तो हला नो डाउट प्रोसेस तो हला किंतु ए प्रोसेस रे कोन होची इनिशियल स्टेट बिकम्स इक्वल टू द फाइनल स्टेट जतेबेले दुटा जाक स्टेट समान हो जाए जितेबले जाक इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट सहित समान हो जाए एमती गोटे प्रोसेस करवा जो प्रोसेस रे इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट सहित समान हो जाए से प्रकार प्रोसेस को आम कही था साइक्लिक प्रोसेस एवं यार किसी पॉइंट लिखिदेव साइक्लिक प्रोसेस कौन होता है शुण साइक्लिक प्रोसेस रे सिंस इनिशियल एंड फाइनल स्टेप आर सेम सो द वैल्यू ऑफ चेंज इन स्टेट फंक्शन इज जीरो सिंस लिखिनबा आम सिंस
इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम सिंस इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम सिंस इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम सिस्टम्स आर सेम सो द चेंज इन सो द चेंज इन वैल्यू ऑफ सो द चेंज इन वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन सो द चेंज इन वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन सो द चेंज इन वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन इज जीरो तो साइक्लिक प्रोसेस रे स्टेट फंक्शन रो वैल्यू रे जो चेंज आसाई से जीरो हो जाए कौन प्रोसेस रे साइक्लिक प्रोसेस रे कहीं ना आम जानीचु स्टेट फंक्शन कौन स्टेट फंक्शन कौन ना स्टेट फंक्शन हूँ से फंक्शन से प्रॉपर्टीज जार वैल्यू इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट उपरे डिपेंड करता है स्टेट फंक्शन कौन तो यार वैल्यू डिपेंड करता है वैल्यू डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम आ साइक्लिक प्रोसेस रे कोन आइ थाए साइक्लिक प्रोसेस रे इनिशियल आ फाइनल स्टेट फाइनल स्टेट आ इनिशियल स्टेट साइक्लिक प्रोसेस रे सेम हे जाय थाए साइक्लिक प्रोसेस रे इनिशियल स्टेट बिकम्स इक्वल विथ द फाइनल स्टेट दैट मींस स्टेट ही चेंज हे न थाए दैट मींस जो स्टेट फंक्शन सब अछि से स्टेट फंक्शन मानकर वैल्यू जो चेंज इन स्टेट फंक्शन जदि आमे नवा से मानकर वैल्यू कोन आसीबो जीरो आसीबो जेमति कि एन्थालपी होउछि गोटा हमर स्टेट फंक्शन एन्थालपी कौन एन्थालपी हूँ आम स्टेट फंक्शन जार वैल्यू इनिशियल आउ फाइनल स्टेट उपरे डिपेंड करे ये हूँ स्टेट फंक्शन तमें जदि एन्थालपी रो मुझे चेंज नेबी तमें मुझे एन्थालपी रो चेंज नेबी दैट मीनस एच टू माइनस एच ओन नेबी एच टू कौन फाइनाल एन्थालपी एच ओन कौन इनिशियल एन्थालपी एच टू माइनस एच ओन दैट मीनस डेल्टा एच रैल्यू कौन आसीज जीरो आसीज कौ प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन एन्थालपी डेल्टा एच रैल्यू जीरो आसीज सेमती कि तुम एन्थालपी हूँ स्टेट फंक्शन सेमती मुझे कौन कही कौन इंटरनाल एनर्जी हूँ कौन ना स्टेट फंक्शन मीनिंग कौन ना जार वैल्यू इनिशियल आउ फाइनल स्टेट उपरे डिपेंड करे तो इंटरनाल एनर्जी जो स्टेट फंक्शन तमें चेंज इन इंटरनाल एनर्जी दैट मीनस इंटरनाल एनर्जी को यू द्वारा रिप्रेजेंट कर फाइनल इंटरनाल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनाल एनर्जी फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा यू रैल्यू कैसे आसो जीरो आसो कौन केस रे ना साइक्लिक प्रोसेस रे वैल्यू कहीं जीरो आसला बिकज साइक्लिक प्रोसेस रे इनिशियल स्टेट जोटा फाइनल स्टेट सौटा इनिशियल आ फाइनल स्टेट गोटे जगार ही था तो जेहेतु इनिशियल स्टेट बिकम्स इक्वल टू दि फाइनाल स्टेट स्टेट ही चेंज है ना तो वैल्यू केमती चेंज आसो तो इनिशियल स्टेट रे जो वैल्यू थी फाइनल स्टेट भी सही समान स्टेट तो वैल्यू से ही थी तो तार जब आम माइनस करदेबू तो वैल्यू जीरो आसीज तो ये आम साइक्लिक प्रोसेस बुझिपाल ठीक सेमती आउ दुईटा प्रोसेस अच्छे ठीक सेमती आउ दुईटा प्रोसेस अच्छे आमर हूँ रिभर्सिबुल प्रोसेस एंड इरिभर्सिबुल प्रोसेस आउ दुईटा प्रोसेस अच्छी कौन कौन ना रिभर्सिबुल एंड इरिभर्सिबुल प्रोसेस तो रिभर्सिबुल ये आम क्वेश्चन आसी था एग्जाम ये हूँ आम रिभर्सिबुल प्रोसेस आउ गोटे हूँ आम इरिभर्सिबुल रिभर्सिबुल एंड इरिभर्सिबुल प्रोसेस देख आम वन बाय वन इटी पॉइंट आउट करदे या बुझाप चेष्टा करवा आगे नोट्स लिखिद समस्ते रिभर्सिबुल प्रोसेस इरिभर्सिबुल प्रोसेस जो सब नोट्स आस लिखिद इट अकर्स एट ए भेरी स्लो स्पीड एंड इनवल्व ए सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट इट अकर्स एट ए भेरी स्लो स्पीड It occurs at a very slow speed and involves a series of equilibrium state and involves a series of
इक्विलिब्रियम एंड इनवॉल्व्स ए सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स यूज आमर फास्ट पॉइंट लिखि नबा हमें कौन थे रिवर्सिबल रे सेमिति आउ जो पॉइंट सब अच्छे मुझे पॉइंट आउट कर दूचे ये आउ सब पॉइंट को मुझे पॉइंट आउट कर दूचे नेक्स्ट पॉइंट लिखा द अपोजिंग फोर्स एंड द ड्राइविंग फोर्स आर नियरली इक्वल द अपोजिंग फोर्स एंड ड्राइविंग फोर्स आर आर नियरली इक्वल द अपोजिंग फोर्स एंड ड्राइविंग फोर्स आर नियरली इक्वल इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस आगे पॉइंट आउट सब पॉइंट गुड़ाक लिखि तापर मुझे तुमको एक्सप्लेन करदेवि वर्क ऑब्टेनेबल इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस इज मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल इन रिवर्सिबल प्रोसेस इन रिवर्सिबल प्रोसेस इज मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल इन रिवर्सिबल प्रोसेस इज मैक्सिमम आम इरिवर्सिबल लिखी दबा आ किसी पॉइंट इट अकर्स एट ए वेरी स्लो स्पीड से आम लिखा इट अकर्स रैपिडली इट टेक्स प्लेस रैपिडली एंड डज नॉट इनवॉल्व ए सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम इट टेक्स प्लेस रैपिडली इट टेक्स प्लेस रैपिडली एंड डज नॉट इनवॉल्व a series of equilibrium and does not involve a series of equilibrium and does not involve a series of equilibrium in case of irreversible process notes likhiyo the opposing force and the driving force differ widely the opposing force एंड ये सब विषय आम एक्सप्लेन करवा द अपोजिंग फोर्स एंड ड्राइविंग फोर्स आर डिफर वाइडली नेक्स्ट पॉइंट आम लिखा देख वर्क ऑब्टेनेबल इज लेस देन वर्क ऑब्टेनेबल इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस वर्क ऑब्टेनेबल एटे टी ए आई गोटे करदेव वर्क ऑब्टेनेबल इन इरिवर्सिबल प्रोसेस इज लेस देन द वर्क ऑब्टेनेबल इन रिवर्सिबल प्रोसेस तो तीन तीन टा पॉइंट आम लिखने एवं नेक्स्ट पॉइंट आम रिवर्सिबल लिखा देख भलसे लिखु पॉइंट को बहुत इंपोर्टेंट द रिवर्सिबल प्रोसेस अकर इन आन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स The reversible process occurs in infinite number of steps re hei thai infinite number of steps kounta reversible process and infinite time and infinite time
required for its completion and infinite time required for its completion. कौन केस रे ना रिवर्सिबल प्रोसेस रे एटी लिखिबा में एटी लिखाई जे कोन द रिवर्सिबल प्रोसेस ऑकर इन ए इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स एटी कोन लिखिबा इरिवर्सिबल प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व मेनी स्टेप्स एंड गेट्स कंप्लीटेड इन ए शॉर्ट टाइम लख इरिवर्सिबल प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस does not involve many steps and get completed in short time इरिवर्सिबल प्रोसेस बहुत सर्ट टाइम कम्प्लीट हो जाए एंड गेट कम्प्लीटेड इन सर्ट टाइम तो तुम्हें नोट्सटा लिखि नहीं था रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस रे ये कम्प्लीट नोट्स मुझे बन लिखि नियो तुम्हें तो नेक्स्ट क्लास रे मुझे रिवर्सिबल आउ इरिवर्सिबल प्रोसेस को एक्सप्लेन करके नेक्स्ट को मुझे प्रोसीड करी सो टिल देन बाय see you in the next class. Joy Jagannath.